अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। ये मैं इस वक्त ज़मीन में खड़ा हूँ। ये ज़मीन इधर जो है ये टोटल 250 एकड़ है। ये सामने जो मस्जिद देख रही है, गांव देख रहा है, ये इसका दंग है। ये पक्का रोड आता है इसका और यहाँ से स्टार्ट होती है। ये सामने वाला भी जो ना है वो गांव है, ये गांव से करीब करीब जाती है। ये जो सामने पोल खड़ा है बिजली का, ये रोड है जो गुलाम लाल से साकर जाता है, वो भी फ्रंट है इसका। और ये सारी ज़मीन है, यहाँ से घूम के आती है। इसमें मिर्ची भी लगी हुई है, टमाटर भी लगा हुआ है और इसमें गंदम भी लगा रहे हैं। बहुत अच्छी ज़मीन है, मीठी ज़मीन है, बगैर मशीन वाला पानी है इसका। ये जो माल की बंगला बना हुआ है, ये सारा ये बंगला है इसका। ये जो बीच में पक्का रोड आता है, इससे दोनों तरफ से ज़मीन है, इसका मीठा पानी आता है। आगे नहर जा रही है साकरों से, अंदर नहर जा रही है, नहर इसको पानी देती है। आगे चले जाती है गाड़ों की तरफ। ये साकरो शहर जो है ना, उससे तकरीबन 6 किलोमीटर अंदर है। पक्का रोड है इसका, ये रोड भी पक्का है, ये भी यहाँ से रोड आता है। ये बिल्कुल ज़मीन का फ्रंट है। इस रोड के दोनों तरफ ज़मीन है और ये मालिक का जो पोताक बनी हुई है, बंगला भी है इसमें। ये सामने जो आबादी देख रहे हो, ये टमाटर लगा हुआ है, मिर्च लगा हुआ है और ये मीठे पानी की नहर जो है नाली इसकी जा रही है, यहाँ से पानी आता है। और यहाँ जो सामने दरख्त बड़ा खड़ा है, यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरफ चले जाती है। ये सारे आगे अभी जो है उसमें अनाज, ये सामने जो अनाज वाली ज़मीन, ये अनाज भी इसमें है। ये सारा अनाज अभी खड़ा है, कुछ निकाल दिया है, चावल की कटाई हो गई, अभी चावल खड़ा भी है इसमें। ये जो दरख्त दूर दूर तक है, ये इसका लंग है। इसमें थोड़ा सा पीस जो गैरबंद भी पड़ा हुआ है और बाकी ज़मीन माशाल्लाह 200 एकड़ के करीब तो उसमें आबाद है, जिसमें अभी भी आबादी लगी हुई है। जो भी आबादी चाहे लगा सकते हो, गंदम